आज का टॉपिक है हमारा वॉइस। अब देखिए, जो वॉइस होता है वो दो प्रकार के होते हैं। वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं वाच्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कर्मवाच्य। अब देखिए, एक्टिव वॉइस से मतलब क्या है। एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है वो सक्रिय रहता है, यानी एक्टिव रहता है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस होता है। हम अधिकतर सेंटेंस सब एक्टिव में ही बोलते हैं। परंतु पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो निष्क्रिय रहता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो तीन चीज पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन को हमने तीन तरह में बांटा है, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब इनको हम देखिए, सब्जेक्टिव केस यदि आई है तो उसका पॉसेसिव हो गया माई और ऑब्जेक्टिव हो गया मी। कैसे, अब मैं बताता हूँ। सब्जेक्टिव यानी होता है कर्ता, पॉसेसिव यानी होता है संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है कर्म कारक। जैसे आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, इस तरह आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एच वी रूल अनुसार चेंज कर देंगे, एम वी मतलब मेन वर्ब की, हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दिखाई देगी, और फिर आपको इसके बाद बाय का प्रयोग करना है, और बाय का प्रयोग करने के बाद फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। इस प्रकार आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस जिसे हिंदी में हम वाच्य कहते हैं, हिंदी में हम इसे वाच्य कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वाच्य किसे कहते हैं उसके बारे में। देखिए, वाच्य का अर्थ है बोलना। अब वाच्य है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी अर्थ होता है कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य, कृत अर्थात कर्ता, मतलब कर्ता पर आधारित, जिसमें कर्ता सक्रिय हो अर्थात सब्जेक्ट एक्टिव हो। इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होगा, जबकि इधर जो सब्जेक्ट होगा वो निष्क्रिय रहेगा, मतलब डीएक्टिव रहेगा। तो आप समझ लोगे एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या बनती है। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है सक्रिय होना। अतः जब वाक्य में सब्जेक्ट एवं जो आपका कर्ता होता है वो एक्टिव होता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस के अर्थ क्या होगा, जब हमारा पैसिव है उसका अर्थ होता है निष्क्रिय होना, अर्थात जो सब्जेक्ट होगा वो निष्क्रिय रहता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। लेकिन हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है पॉसेसिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्ता कारक, पॉसेसिव यानी होता है संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव केस का अर्थ होता है कर्म कारक। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा कोई सब्जेक्ट आई है तो इसका पॉसेसिव क्या होगा? माई। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। तो आप देखिए, हमने आई के ही यानी मैं शब्द के हमने तीन रूप देखे, आई सब्जेक्टिव रूप, पॉसेसिव माई और ऑब्जेक्टिव केस है मी। अब आपको मैं बताता हूं ये कैसे होंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, तो यहां पर ये व्यक्ति जो आया है वो सब्जेक्टिव केस में है आई। दूसरा आप एक और एग्जांपल लेंगे पॉसेसिव के लिए, ही इज माय ब्रदर, तो जो माई आया है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन है माई, तो इसलिए हमने माई को इस जगह प्रयोग किया है। सब्जेक्ट के लिए हमने इस जगह प्रयोग किया है, इस जगह हमने पॉसेसिव के लिए यूज किया है। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए, ही गिव मी ए पेन, तो इसे भी तुमने मी
लिया है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज लिया है। तो देखिए हमने तीन रूप देखे, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मेरा, आई, माई ब्रदर। अब देखिए ये शब्द है वो किसी ना किसी से जुड़ा रहेगा, माई ब्रदर, माई पेन, माई मोबाइल, माई फुट, इतना कोई ना कोई एक शब्द या एक अक्षर सॉरी एक वर्ड आपके पीछे होगा। ऑब्जेक्टिव केस इसमें मी शब्द आएगा, इसका अर्थ है वो मैं पत्र लिखता हूं, ही इज माय ब्रदर, पेन मेरा भाई है, ही गिव मी ए पेन, ही गिव्स मी ए पेन, वह मुझे एक पेन देता है, तो मी आया है। तो तीन रूप दे दिया आपने, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव। ये आपके पैसिव वॉइस बनाते समय आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए आपको इनको याद रखना जरूरी है। क्या है, आई सब्जेक्टिव है, माय पॉसेसिव है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या होगा वो आपको मैं बाद में बताता हूं। अब देखिए इसी का एक और रूप है वी, वी का पॉसेसिव क्या होता है आवर, ऑब्जेक्टिव क्या होगा आस। आई और वी के बाद बात करते हैं हम यू, यानी ये तो फर्स्ट पर्सन हो गए, अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन अपना यू, यू का पॉसेसिव क्या होगा योर, अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का यू का यू ही रहता है, यानी कि योर कैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारी वस्तु, यानी कोई भी चीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं, देखिए आपके सामने यू के बाद अपना नंबर आता है ही, शी, ही का होता है हिज, शी का हो जाएगा हर, और इधर क्या हो जाएगा हिम, और इधर क्या रह जाएगा हर। ध्यान दीजिए पॉसेसिव शी का हर है और ही का हिज, ही इसलिए काम आता है लड़के के लिए अगर बात होती है तो हम ही का प्रयोग करते हैं, और लड़की के लिए बात होता है तो हम शी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्लियर। अब बात करते हैं हम दे, बच रहा है हमारा उसकी और बात कर लेते हैं, दे टी एच आई आर और देम। तो आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आपको अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि ये पैसिव बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ध्यान दीजिए पैसिव बनाते समय इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आई का, माई और मी, वी का और आस, यू का योर यू, ही का हिज हिम, शी का हर हर, दे का देयर एंड देम। अब हम बात करते हैं वास्तविक इसके रूल्स की, यानी कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे पहले। रूल्स ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, यदि आपने टेंस को सही ढंग से पढ़ा हो तो आप उसे और भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे एक्टिव वॉइस में तो क्या होगा और पैसिव में क्या होगा, दोनों का हम अंतर देखेंगे। तो देखिए एक्टिव में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट दिखाई देता है, देता है नहीं देता, फिर उसके बाद आपको ध्यान है आपने एच बी का प्रयोग किया था, किया था एच बी के बाद हमें किसका प्रयोग करना है, एन बी का प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पैसिव बनाना है और पैसिव के लिए हमें क्या करना है, तो उसके सिंपल सा रूल है, जहां भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है वाला जो ऑब्जेक्ट है आपको पहचानना होगा कि इस सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब उस ऑब्जेक्ट को आप उधर लेके आएंगे, ले आए मतलब इसे आपने क्या बना दिया, इधर का सब्जेक्ट बना दिया वैसे देख जाएंगे, प्लस आप एच बी का प्रयोग करेंगे और एम बी में क्या आएगा, इसमें ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म परमानेंट आएगी, प्लस एक वर्ड है आपका वाय, ये इसके बाद जुड़ेगा और इसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। अब जो आपको मैंने ये पैटर्न लिखाया है इसके अकॉर्डिंग ही आपके पैसिव वॉइस बनेंगे, ध्यान दीजिए इस पैटर्न के आधार पर ही। परंतु इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो चीज क्या है वो देखिए, वो चीज क्या है
वो देखिए, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ। फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्टिव का फॉर्मूला लिखता हूँ। एक्टिव में सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने पढ़ा था एचबी, एचबी के बाद एमवी, एमवी के बाद ऑब्जेक्ट। आप देखिए पैसिव में क्या होगा, पैसिव में आपको सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट जो उधर था उसे इधर लेके आना है, प्लस आपको क्या लिखना है भाई, ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर लिखना है आपको एच बी, जो मैं आपको भूल लिख रहा हूँ उधर, प्लस एम बी, एम बी आपकी परमानेंट या फिर वर्क की थर्ड फॉर्म है, प्लस एक शब्द ऐसे आपको ध्यान रखना वाई जुड़ेगा और इस सब्जेक्ट को आपको इधर लेके आना है। तो कहने का मतलब कुछ ज्यादा खास रूल नहीं है, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, एच बी को थोड़ा सा कन्वर्ट करना। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आपको सब्जेक्ट के अंदर मतलब एक्टिव केस के अंदर, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहाँ पे, एक्टिव केस के अंदर आपको डू मिल जाए या डज मिल जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, या सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो, तो उस कंडीशन में इसे कन्वर्ट करके हम एच एम आर में परिवर्तन कर देते हैं। इसमें कर देते हैं एच एम आर में परिवर्तन करते हैं, ध्यान दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी हमेशा। अब इसके लिए हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है वो समझे, ही राइट्स ए लेटर, ध्यान दीजिए ही राइट्स ए लेटर। आप इसे अच्छी तरह गौर करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने पे आपको आ जाएगा अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो, ही राइट्स ए लेटर। अब हम इसे पैसिव बनाना है। अब पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, रूल लिखना है। सबसे पहले से देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसे देखा हमने ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर को हमने सबसे पहले यहां लगा दिया। अब हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, तो इसे कन्वर्ट किसमें करेंगे हम, एच एम आर में, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा, एच। आगे हो गया समझ में क्या जाएगा ए लेटर के अकॉर्डिंग, एच। और एच के बाद हम यहां लगाएंगे राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। अब आपको एक डिसीजन ध्यान रखना है, मैंने आपको सबसे पहले वर्ब ही स्टार्ट करी थी, देखिए क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़े इंग्लिश के अंदर बिना वर्ब के हम इंग्लिश को ले नहीं जा सकते आगे, तो इसलिए हमें इंग्लिश के अंदर पहले वर्ब देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज प्रत्येक वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है आपके। तो ए लेटर इज रिटर्न बाय, अभी आपको मैंने बताया था ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, बताया था ना मैंने अभी आपको, तो सुनिए क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव रूप होता है हिम। ये आपका पैसिव बन गया थोड़ा सा, एक बार और देखते हैं जरूर, ही राइट्स ए लेटर। अब देखिए पैसिव कौन सा बनता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट इसमें है वर्ब इसमें है, तो अब आपको क्या करोगे पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रखेंगे, आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाने के बाद आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है कि देखिए एज है सॉरी डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा है, तो इसको कन्वर्ट करना एज एम आर में, तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिया एज लगा दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बी, देखिए इसका रूल क्या है वो समझिए, यदि एज आए एम आए या आर आए और उसके साथ क्या था मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उस कंडीशन में हम एज एम और आर में ही चेंज करते हैं, परंतु उसके बाद क्या लगा देंगे वेन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देंगे एज एम आर आए तो उसे एज एम आर में ही कन्वर्ट करते हैं, बस उसके बाद क्या लग जाएगा वेन। देखते हैं ही इज राइटिंग ए लेटर, अब वही कंडीशन ए लेटर को हमें इधर रखना है, कहां रखना है आगे, यानी कि ए लेटर यहां पर है इसे यहां रख दिया, रखने के बाद देगा एज, एज को इज में ही कन्वर्ट करना है, इज में बस इसके बाद क्या लगा देना है
विंग लगा देना है और विंग के बाद हमें क्या लगाना है रिटर्न। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न बाय हिम। अब हम रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं सी ए जयमान के बाद हम बात करेंगे हैच है। देखिए जो हैच है प्लस पद की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैच है प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कैसे इसके एक एग्जांपल लेते हैं ही हैज रिटन ए लेटर। ही हैज रिटन ए लेटर इसे बनाएंगे तो ये लेटर को शुरुआत में लाएंगे लिया है। अब इसके बाद देखा हैज किसे कन्वर्ट हो रहा हैज बीन में। इसके बाद हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे आपका रिटर्न ए लेटर। अब बात करते हैं डी डी में क्या आएगा अगला रूट पढ़ेंगे हम इसमें देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे अगला वो क्या आएंगे यदि यहां पर बार की सेकंड बार हो या डेढ़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और डेढ़ का बात आ जाए तो नॉट हो या इंटरनेगेटिव हो आपने पढ़ा होगा तो इसे हम कन्वर्ट करके कर देंगे हम वॉच वर्ब में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे कन्वर्ट कर देंगे वॉच वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखते इसका एग्जाम्पल ही रॉट इन लेटर ध्यान दीजिए बी रॉट ई लेटर तो वो ये लेटर को आप शुरुआत में लाएंगे ए लेटर या लाने के बाद देखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वॉच में रिटर्न बाय हिम। अगर यह सी होता तो यहां पर आ जाता हर ई ई पढ़ते हैं ई के लिए अगर आया और अगर यहां पर आपकी एच भी अगर वॉच बार है तो उस कंडीशन में आपको वॉच बार ही प्रयोग करना है प्लस विंग आ जाएगा क्या आ जाएगा विंग और वे वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ही वॉच राइटिंग ए लेटर तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा देखिए ए लेटर अभी वॉच का वॉच और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा विंग विंग का बात क्या हो जाएगा बाय हिम। अगला पढ़ते हैं एफ। अब एफ की बात करते हैं वो क्या है अगर यहां पर हेड हो तो उस कंडीशन में आप क्या क्या करोगे हेड बीम का प्रयोग करोगे इसका प्रयोग करोगे हेड बीम प्लस वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म एग्जांपल लेते हैं ही हैड रॉट इन लेटर तो आंसर क्या है आपका ए लेटर हैड का क्या हो गया हैड बीन रिटर्न बाय हिम। अगला जी पढ़े हम तो हम इसमें देखते हैं क्या आएगा विल और शैल आए तो हम विल बी और शैल बी में चेंज कर देते हैं तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर ही विल राइट ए लेटर तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका ए लेटर विल बी रिटर्न बाय हिम।
एच पढ़ेंगे अब, ही विल हैव रिटन ए लेटर, तो इसको देखें हम तो आंसर क्या होगा, ए लेटर विल हैव बीन रिटन। और यदि इंडेफिनेट है तो उसे हम कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं।